जयपुर के विभिन्न इलाकों से छुड़ाए गए बाल श्रमिकों की बुधवार को घर वापसी हो गई। घर वापसी की खबर लगते ही बच्चों के चेहरों से खुशी साफ दिखाई दी। पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की ओर से शहर के विभिन्न कारखानों से मुक्त करवाए गए करीब 132 बच्चों को सरकारी एजेंसियों ने वापस बिहार भेज दिया। बाल कल्याण समिति जयपुर के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सिखवाल और साथ ही बाल अधिकारिता विभाग के निदेशक निष्काम दिवाकर ने बताया कि बिहार भेजे जाने वाले सभी बच्चे जयपुर के चूड़ी बनाने और साथ ही आरी तारी के कारखानों समेत विभिन्न कारखानों से छुड़ाए गए थे। इन बच्चों को सकुशल उनके घर वापस भेजा गया। सर, ये आज जो बाल श्रम मुक्त बच्चों को घर वापसी भेजिए, कितने बच्चे कहाँ से मुक्त कराए गए? ये सभी जयपुर से मुक्त कराए गए हैं। 130 बच्चे हैं जो विभिन्न यूनिट्स के अंदर काम कर रहे थे और इनको रेस्क्यू किया गया है। उस समय तक इनको हमारे होम्स में रखा गया है और अब इनके सारी पुलिस की कार्रवाई करवाने के बाद आज इनको रवाना किया गया। जयपुर जिले से ऑपरेशन खुशी अभियान अंतर्गत बाल श्रम से मुक्त कराए गए 132 बाल श्रमिकों की आज घर वापसी की जा रही है। बच्चे घर जाने से बेहद खुश हैं। इन बच्चों को हमने डिजिटल डेटा के अंदर उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करा है ताकि सरकारी योजनाओं का उनका लाभ मिल सके और नियोक्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। इसके लिए हमने 164 के बयान कराए हैं और SGM के बयान कराए हैं ताकि बॉन्डेड लेवल में।